औरंगाबाद जिले के गो थाना अंतर्गत हसमपुर पंचायत रोजगार सेवक राजेंद्र सिंह हत्याकांड मामले में औरंगाबाद पुलिस को सफलता हाथ लगी है। घटना के पुष्टि करते हुए प्रभारी जिला पुलिस अधीक्षक पंकज कुमार ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि दाऊद नगर SDPO राजकुमार तिवारी के नेतृत्व में गठित पुलिस दल ने हत्या के आरोप में एक अपराधी को गिरफ्तार करते हुए जेल भेजा था। वहीं इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए अपराधी के पास से एक देसी कट्टा और दो जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। प्रभारी पुलिस अधीक्षक पंकज कुमार ने आगे बताया कि पंचायत रोजगार सेवक की जमीन को हथियाने के लिए गोतिया ने षड्यंत्र के तहत दो अरवल जिले के सात्र बदमाशों से साठगांठ करते हुए हत्या का अंजाम दिया है। विदित हो कि रोजगार सेवक को दाऊद नगर थाना क्षेत्र के मखरा गांव में 28 मई की रात्रि में अपराधियों ने घटना का अंजाम दिया था। अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस गश्ती कर रही थी। देखिए औरंगाबाद से विश्वनाथ आनंद का आंखों देखा हाल रिपोर्ट। दिनांक 28/5/20 को पंचायत रोजगार सेवक की हत्या हुई। उस हत्या के उद्भेदन 5/20 को पंचायत रोजगार सेवक की हत्या हुई। उस हत्या के उद्भेदन हेतु SDPO दाऊद नगर के नेतृत्व में अनुसंधान इकाई का गठन किया गया। पूरी टीम के द्वारा उपलब्ध वीडियो फुटेज के आधार पर अपराधकर्मी को चिन्हित किया गया। उस चिन्हित अपराधकर्मी एक की गिरफ्तारी हुई। उसकी पहचान के आधार पर गिरफ्तारी के पश्चात उससे पूछताछ की गई। उसके पास से अवैध हथियार गोली बरामद की। उसने पूछताछ के क्रम में घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार करते हुए अपने सहयोगियों का नाम बतलाया। उस सहयोगियों में से दो सहयोगी उसके अरवल के लूट के केस में कुछ दिन पूर्व जेल गए हुए हैं और वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं। और हत्या का कारण के रूप में यह चेत सामने आया है कि राजेंद्र प्रसाद उसी गांव के जो इसके गोतिया हैं अपने पुत्र और संबंधी की मदद से षड्यंत्र किए और इन अपराधकर्मियों को भाड़े पर लाकर यह हत्या की गई। हत्या का कारण मृतक के द्वारा ग्रामीण राजेंद्र प्रसाद के जमीन को हड़पना के सामने पूरे घटनाक्रम में अभियुक्तों के प्राथमिकी और अपराधिकी अभियुक्तों के विरुद्ध तकनीकी साक्ष्य उपलब्ध और टीम अनुसंधान कर रही है। आगे भी जो बचे हुए अपराधकर्मी उसकी गिरफ्तारी होगी और जो न्यायिक हिरासत में भेजे गए अरवल पुलिस के द्वारा उसे इस केस में लेकर रिमांड पर लेकर उससे पूछताछ। इसमें एक अवैध देसी कट्टा और दो राउंड गोली बरामद हुआ और इसकी गिरफ्तारी जो है सैयापुर ने जो षड्यंत्र करता है राजेंद्र